किसान मित्रों, धान की कटाई के साथ ही गेहूं की बुआई की तैयारी शुरू हो जाती है। गेहूं रबी सीजन में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल है, इसलिए सभी किसान ज्यादा उत्पादन के लिए गेहूं की सबसे अच्छे किस्म का चयन करने की कोशिश करते हैं। किसानों के बीच गेहूं के जिन किस्मों की सबसे अधिक मांग है उनमें DBW 303, DBW 187 और DBW 222 किस्में सबसे प्रमुख हैं। इनमें भी DBW 303 एक ऐसी किस्म है जो किसानों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय है। इस वैरायटी की मांग किसानों में सबसे ज्यादा है। इस बीज की सबसे खास बात यह है कि इससे आप अगले सीजन में भी इसकी उपज से बीज बना सकते हैं। DBW 303 किस्म की खेती हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों के साथ साथ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भी की जा सकती है। यह रोटी के लिए एक सर्वोत्तम किस्म है, जिसमें प्रोटीन 12 ppm, जिंक 42 ppm व आयरन 43 ppm मात्रा में मौजूद हैं। किसान मित्रों, DBW 303 को करण वैश्रवी के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल इसे गेहूं की सबसे उन्नत किस्मों में से एक कहा जा रहा है। इस किस्म के जरिए आपको प्रति हेक्टेयर 81.2 क्विंटल तक पैदावार प्राप्त हो सकती है, जबकि इसका औसतन उत्पादन 93 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। इसकी बुआई अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में की जा सकती है, क्योंकि यह समय इसके लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। अगर आप इसकी अगेती बुआई करना चाहते हैं तो इसका सही समय 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच निर्धारित किया गया है। अगर इस किस्म की बुआई अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर नवंबर के पहले हफ्ते तक की गई हो तो यह 145 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। आप सुनते रहिए रेडियो पिटारा। मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।